हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मलिक ढाबा संडे स्पेशल थाली। आज मैंने बनाए हैं राइस, दाल, अरबी की सब्जी और झींगा पोस्तो बड़ी के साथ। इसे हम बहुत सारे अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको एरम भी बोला जाता है, कच्चू भी बोलते हैं, पेचकी भी बोलते हैं, लूफा भी बोलते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको बनाने के लिए हम पहले इसे 5 मिनट पहले पानी में भिगो के रखेंगे ताकि इसका जो भी मिट्टी है वो अच्छी तरह से बाहर निकल जाए। और मैं ये गमले में रख रही हूँ। ये जो पानी है, मिट्टी वाला पानी, इसमें पहले से ही बहुत सारे खाद और ये सब पड़े हैं, तो मैं इसको बाद में अपने पौधों के लिए यूज़ कर लूँगी। और अरबी के बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट, ये बहुत सारी बीमारियों को कम करने में हमारी मदद करता है, जैसे कैंसर के खतरे को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करने में या कंट्रोल करने में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, वेट को कम करने में मदद करता है, पेट से जुड़ी प्रॉब्लम भी दूर करता है, ये आँखों की रोशनी बढ़ने में भी हमारी मदद करता है। इनमें पोटासियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी और विटामिन ई भी मौजूद होते हैं। ये फाइबर रिच वेजिटेबल है। इनमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करता है। ये बहुत सारे इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मैं ये सब जानकारी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत लोग इसे देख के खाना पसंद नहीं करते, नहीं चाहते हैं या नए वेजिटेबल्स को ट्राई नहीं करते हैं। तो हेल्थ, अभी सभी लोग जो हैं हेल्थ कॉन्शियस है, तो अगर हमारे दिमाग में ये सब भी रहा और बहुत सारे लोग ये सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो वो देखते हुए भी मैं ये वीडियो इस तरह से बना रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो और आप जानें आप क्या खा रहे हो, उसके फ़ायदे क्या हैं। ये देखिए, ये मिट्टी है, ये मैं पौधे में डाल दूँगी इसको। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब ये पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। मैं अब प्रेशर कुकर में एक प्रेशर दे दूंगी मीडियम फ्लेम में। अब मैं एक कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डालूंगी और इसे थोड़ा गर्म होने दूंगी। और जो कटे हुए वेजिटेबल्स हैं, अरबी हैं, अरबी को मैंने 2 हाफ्स में कट किए हैं, बहुत छोटा नहीं किया है। इसको मैं अब इसमें डाल दूंगी और इसको थोड़ी देर लाल होने तक भून लूंगी। इसको हाई फ्लेम में, फ्लेम को हाई ही रखना है। और इसको आप अच्छी तरह से चारों तरफ से भून लीजिए और इसको लाल कर लीजिए। मुझे पता है बहुतों को पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी चेंज के लिए हम ये सब खा सकते हैं। और हेल्थ बेनिफिट्स तो मैंने डाला ही है, वो सब भी देखकर आप अगर खाओगे तो ये अच्छा लगेगा। ये चावल, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ गरम गरम खाने से अच्छा लगता है। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो आप इसे सूखा बना के ले जा सकते हो, ये ख़राब नहीं होता है। इसमें चूंकि मैं प्याज वगैरह भी नहीं डालूंगी, इसलिए ये रेसिपी ख़राब भी नहीं होगा आपके जर्नी के समय में, ट्रेन जर्नी वगैरह में। ये बहुत अच्छे रेसिपीज़ हैं और वैसे भी ये बिना टमाटर के भी बने हुए हैं, तो देखना आप ट्राई करके कभी। ये देखिए लाल हो गया। ये भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको 2 से 4 मिनट लाल होने तक ही हाई फ्लेम में आप इसको ये करो। तेल थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हो आप। और ये थोड़ा लेसलेस तो रहेगा ही, आप सोचोगे कि लेसलेस ना हो, तो ये थोड़ा सा स्टिकी रहेगा ही, तो उससे कुछ ये नहीं होता है, खाने में अच्छा ही लगता है। चलिए अब जो कढ़ाई में भुना हुआ सटा हुआ है उसको अच्छी तरह से छुड़ा लें और ये भुने हुए सब्जी को बाहर निकाल लें। अब हम इसे इसमें सेम कढ़ाई में ही ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। ये देखिए, मैंने चारों तरफ से छुड़ा के निकाल लिया है सारा।
ये रहा भुना हुआ सब्जी। अब जब हम मसाला डालेंगे ये तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब कढ़ाई तो गर्म है ही, मैं इसमें फिर से डालूंगी मस्टर्ड ऑयल और इसे गर्म होने दें। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें छोटे चम्मच से आधा चम्मच जीरा डालूंगी और दो तेज़पत्ता डालूंगी और क्रश किया हुआ लहसुन डालूंगी फ्लेवर के लिए, और मसाला का कोई भी पेस्ट का वाला मसाला नहीं डालूंगी। ये ऑप्शनल है लहसुन डालना, अगर आप स्किप करना चाहो या बिना लहसुन प्याज का बनाना चाहो तो इसमें आप लहसुन मत डालना। प्याज तो मैंने नहीं डाला है इसमें, तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हो और इससे आप थोड़ी देर लहसुन को लाल होने तक भून लो। मैं इसलिए डाली हूँ कि थोड़ा इसका फ्लेवर अच्छा लगता है मुझे। ये देखिए, आप चाहो तो इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हो, लहसुन ना डाल के ग्रीन चिली डालो आप इसको फ़ौरन में। मैं इसमें ग्रीन चिली नहीं डाल रही, मैं ये रेड चिली का पाउडर डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा सा मसाला ऐड करने के पहले मैं थोड़ा सा पानी डाली हूँ, क्योंकि गरम तेल में जैसे ही आप सूखे मसालों को डालोगे तो वो जल जाएगा, तो वो जलने से बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और इसमें थोड़ा हल्दी और गरम मसाला, मिक्स वेजिटेबल मसाला है, वो डाल रही हूँ, और थोड़ा सा कलर और फ्लेवर दोनों के लिए रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, और स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डालो। ये सारी चीज़ डाल के आप थोड़ा मीडियम आँच में इसे भूनो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भूनने में मसाले को, क्योंकि ये ऑलरेडी पाउडर है और मसाला ज़्यादा देना भी नहीं है इसमें। कम मसालों में ही मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। बस 2-3 मिनट ही आप इसे भून लो। ये देखिए, कलर इसका अब थोड़ा चेंज हो गया है, देखने में भी सुंदर लग रहा है और खाने में तो नो डाउट बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी भुना हुआ अरबी, उसको आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये देखिए कलर इसका बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखने से ही खाने का मन करेगा आपको, और गर्मा गर्म खाओ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं एक बार ही बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर 2-3 स्टेप में मैं इसे भून लूंगी, क्योंकि मुझे नमक भी ऐड करना है और खटाई वगैरह भी ऐड करना है, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के करेंगे सो दैट कि नमक भी उसके अंदर चला जाए अच्छी तरह से, फ्लेवर मसालों का अच्छी तरह से अरबी में चला जाए। ये देखिए, फ्रेंड्स मेरी रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज वगैरह का डालती थी, तो बहुत लोग का डिमांड था कि आप थोड़ा वेज भी डालो, तो मैं बना रही हूँ जो मेरे घर में बनता है। तो आप कमेंट्स लिख के ज़रूर बताना, और क्या कमियाँ हैं क्या कर सकती हो वो भी बताना, और वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बताना मुझे, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं खुशी खुशी अगला वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। ये देखिए कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आमचूर का पाउडर खट्टापन के लिए, और इससे वो जो काटता है अरबी गले में जो लगता है तो वो नहीं लगेगा। आप चाहो तो नींबू भी डाल सकते हो, तो मैं आज नींबू नहीं डाल रही, मैं आमचूर का पाउडर डाल रही हूँ।
ये देखिए, थोड़ा सा फाइनली जब आमचूर का पाउडर डालो तो थोड़ी सी पानी डाल के इसको मिला लो, एक दो बॉईल होने दो उसको, फिर उसको आप उतार लो। आँच को फ्लेम को हाई ही रखना, मुझे बस इतनी ही ग्रेवी चाहिए। मेरे पास वो धनिया पत्ता लाना मैं भूल गई थी आज मार्केट से, तो मैं नहीं डाल रही हूँ, आप इसमें थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल देना तो देखने में और भी खूबसूरत लगेगा और टेस्ट भी बढ़ेगा। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये रहा इसका फाइनल लुक, देखने से ही यम्मी लगता है। चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी की ओर जाते हैं। झींगा पोस्तो है विथ बॉडी के साथ है। ये रहा झींगा पोस्तो, इसमें मैंने बड़ी भी डाला है, उड़द दाल की बड़ी। ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, पोस्तो हम सभी को बहुत पसंद है। इसमें भी गार्निश करना था कोरिएंडर के साथ बट नहीं था। ये रेसिपी मैं पहले भी डाल चुकी हूँ झींगा आलू पोस्तो का, लेकिन आज मैं इसमें बोड़ी डाल के बना रही हूँ, बड़ी डाल के बना रही हूँ उड़द दाल का। ये भी आप चाहो तो पराठा वगैरह पूरी के साथ खा सकते हो, आज मैं थोड़ा सूखा ही बनाऊँगी। तो चलिए पहले इसकी बेनिफिट्स जानते हैं, तुरई की झींगे की बेनिफिट्स क्या हैं। तो फ्रेंड, इसका फर्स्ट बेनिफिट यही है कि ये आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है, आँखों की रोशनी बढ़ाने में हेल्पफुल है, और एनेमिक पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए हेल्प करता है, और जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उसको भी वो कम करता है, खाने से कम होता है, लीवर फंक्शन भी ये अच्छी तरह से होते हैं इस वेजिटेबल को खाने से, फिर डायबिटिक सिम्टम्स को भी कम करता है। इसमें विटामिन ए, सी, आयरन और मैग्नीशियम रहते हैं, और B6 भी होते हैं। फ्रेंड्स, जो भी वाटरी वेजिटेबल्स होते हैं जिससे पानी निकलते हैं, छूटते हैं, वो लीवर और पेट दोनों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ, मैं चूँकि दो लोगों का बना रही हूँ इसलिए दो ही तुरई ली हूँ, और दो आलू ली हूँ, और थोड़ी सी उड़द दाल की बड़ी ली हूँ। ये तीन चीज़ों को मैंने लिया है, और इन सबसे मैं बनाऊँगी एक तुरई की सूखी सब्जी। क्योंकि ऑलरेडी मैंने अरबी की सब्जी बनाई है, साथ में दाल भी है, तो इसका मैं आज सूखा ही रेसिपी बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं तुरई की सब्जी विथ बड़ी। तुरई को मैं अच्छी तरह से छील कर उसके हार्ड स्किन को निकाल कर अच्छे तरह से धो ली हूँ, और उसको छोटे छोटे साइज में, मीडियम साइज में कट कर ली हूँ, और आलू को भी क्यूब्स में कट कर ली हूँ। अब मैं कढ़ाई को गरम कर रही हूँ, और उसमें जैसे ही गरम हो जाएगा मैं उसमें डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। तेल हमारा जैसे ही गरम हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी बड़ी, इसे आप मीडियम फ्लेम में रख कर थोड़ी देर भूने, लाल होने तक इसे थोड़ा भूने, और जैसे ही ये लाल हो जाएगा आप उसे बाहर निकाल लीजिए और आँच को मीडियम लो फ्लेम में कर दीजिए। फिर इसी कढ़ाई में ऊपर से और तेल नहीं डालना है, फिर इसी में हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसी गरम कढ़ाई में हम डालेंगे फ़ोरन के लिए पाँच फ़ोरन। तो आप सभी को पता है पांच तरह के इसमें स्पाइसेस होते हैं, और इसमें डालेंगे क्यूब्स कटा हुआ आलू, क्यूब्स के टाइप में कटा हुआ आलू, बहुत बड़े भी नहीं हैं और बहुत छोटे भी नहीं हैं। इनको मैं डाल के 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकाऊंगी, लाल होने तक इसे भूनना है। इसे आप ढक ढक के भी पका सकते हो। फ्रेंड्स, पांच फोरन जो है पांच तरह के मसालों से बनता है, तो मैं ये बाज़ार में भी ये मिलता है रेडीमेड, लेकिन मैं मार्केट से नहीं खरीदती, मैं बनाती हूँ इसको खुद से ही। सौंफ, मेथी, काला जीरा, सरसों और जीरा, ये पांचों चीज़ों को मिला के बनाती हूँ, और कभी कभी उसमें चेंजेस के लिए
अलग से अजवाइन या राधुनी एक मसाला होता है वो भी डाल के बनाती हूँ। तो इससे क्या होता है, सब्जी का फ्लेवर भी अलग अलग आता है, अच्छा आता है, खाने में भी ये टेस्टी होता है। ये देखिए, ये बातों ही बातों में भुना हो गया है, ये थोड़ा सा लाल हो गया है। ये रहा पंचफोरन, पांच तरह के मसाले हैं इसमें, और ये रहा मेरा राधुनी। ये भी इसका दाल भी छौंक सकते हैं आप, इससे पंचफोरन से भी दाल छौंक सकते हो सूखी लाल मिर्च के साथ। चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं कटा हुआ तुरई, झींगा, और इसको भी हम थोड़ी देर पकाएंगे, 10 मिनट पकाएंगे इसे, पानी रिलीज़ होने देंगे इसको। मैं तेल कम डाली हूँ इसलिए जलने का डर होता है, कोई नहीं, आप इसमें नमक डालो, नमक डालते ही ये पानी छोड़ेगा। आप इसे ढक ढक के पकाओगे मीडियम फ्लेम में तो जलेगा नहीं और अच्छे से कुकिंग भी होगा। तो बीच बीच में थोड़ी देर 8 से 10 मिनट आप इसे ढक ढक के पकाइए। ये देखिए पानी इसका छूट रहा है और तुरई का जो पानी है इसी के अंदर रह रहा है, तो वो अच्छी तरह से पकेगा। तो चिंता करने का कोई बात नहीं है, कम तेल में भी सब्जी बन जाते हैं अच्छी तरह से, टेस्टी भी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो कोशिश कीजिए कम तेल यूज़ करना। चलिए ये थोड़ा लाल हो गया है, अब मैं इसमें बाकी के मसाले डालूँगी। और चूँकि मसाला सूखा हुआ है, मैंने पोस्तो पॉपी सीड डाला है इसमें, तो वो मैं उसका पाउडर बना के रखी हूँ। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी पहले डाल दे रही हूँ, उसके बाद मैं पोस्तो या पॉपी सीड को डालूँगी इसमें, ताकि वो अच्छी तरह से उसमें फूल जाए और बाद में ये जब पकेगा तो वो थोड़ा पेस्ट अच्छा तैयार होगा। मेरे पास वो सील बट्टा नहीं है, मेरे पास था सील बट्टा लेकिन वो ट्रांसफ़र के समय बेंगलोर में ही छूट गया। चलिए अब इसमें डालते हैं पॉपी सीड का पाउडर, खसखस का पाउडर, थोड़ा सब्जी मसाला, मिक्स मसाला, और थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा लाल मिर्च कलर और टेस्ट के लिए। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, तो ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते हैं, जस्ट फॉर कलर, थोड़ा सा हल्का टेस्ट भी आएगा। ये देखिए इसका कलर भी अब सुंदर लगने लगा है। आप चाहो तो ये रेसिपी को, सब्जी को रोटी के साथ भी खा सकते हो, आप चाहो तो ट्रैवल के वक्त भी इसे कैरी कर सकते हो, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। अब टाइम आ गया है बड़ी डालने का, बड़ी चूँकि हार्ड हुआ होता है थोड़ा, तो मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी सब्जी में, और जैसे ही ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं जो भुना हुआ बड़ियाँ हैं उसको मैं डाल दूँगी, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए पानी में भीग के, और उसके थोड़ा सा 5 मिनट तक पकाऊँगी, फिर ये रेडी हो जाएगा सब्जी। ये देखिए एनफ है 5 मिनट कुकिंग के लिए, देखने में भी अच्छा लग रहा है। बढ़िया, अभी सॉफ्ट नहीं हुई है इसलिए मैं थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक पका लूँगी, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा रेसिपी मेरा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, कच्चा तेल फ्लेवर के लिए, और 2 हरी मिर्च को तोड़ के डालूँगी, उसका भी टेस्ट फ्लेवर आता है इसमें तो अच्छा लगता है। आप चाहो तो धनिया पत्ता भी इसमें थोड़ी सी डाल दे सकते हो, देखने में भी अच्छा लगेगा, और धनिया पत्ता का तो खैर अपना टेस्ट भी होता है। तो मेरे रेसिपीज़ कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स, बताना कमेंट्स करके, और ज़रूर से बना के देखना आप। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
आपके यहाँ खसखस का क्या रेट चल रहा है वो भी बताना। बहुत ही महंगे आते हैं मार्केट में, हमारे यहाँ तो बहुत ही महंगा है। चलिए ये देखिए हमारा यम्मी पोस्तो बड़ी, झींगा पोस्तो बड़ी सर्विंग के लिए तैयार है। चलिए मिलके बनाते हैं और खाते हैं। फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है वीडियो स्किप करके मत देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन वेरी सून।